हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर, जहां पर हम एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु फेंगशुई के ऊपर बात करते रहते हैं। यहां पर ये जो सीरीज़ अब बनने जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि शनि देव वक्री हो रहे हैं एंड ये जो टाइम पीरियड है फ्रॉम 17 जून से शुरू होगा और 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। ये कोई न्यू बात नहीं है, हर साल शनिदेव इसी समय में वक्री होते हैं। अब बहुत लोग शनिदेव के वक्री हो जाने से भ्रांतियां पाल लेते हैं, डर जाते हैं कि भैया क्या होगा, कैसे होगा। आपकी पर्सनल कुंडली में शनिदेव जैसे बैठे हैं, जैसा उनका टाइम पीरियड चल रहा है, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम रिजल्ट्स उसी के बेसिस पर आते हैं। बट जो गोचर होता है उससे आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े इवेंट आप समझ सकते हैं गोचर की मदद से। तो शनिदेव का ये वक्री होने का गोचर आपको कैसा रिजल्ट देगा। देखिए, जब भी हम कहते हैं शनिदेव वक्री हो गए तो उसका मतलब ये होता है शनिदेव की जो एक स्पीड होती है, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो जो उसकी स्पीड होती है चलने की, वो धीमी गति हो जाती है, स्लो हो जाती है। दिखने में ऐसा लगता है कि यू नो कि वो उल्टे चल रहे, बट वो उल्टे नहीं चल रहे होते, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो यू नो तीन स्टेजेस होती है कोई भी ग्रह की। एक होती है वक्री, जब वो रेट्रोग्रेड कहे जाते हैं कि धीमी गति होगी। एक होते हैं मार्गी, मार्गी का मतलब होता है कि वो अब अपनी स्पीड से चल रहे, जो एक प्लैनेट की नॉर्मल स्पीड होती है वो उस स्पीड से चल रहे हैं। और एक होता है अतिचारी, अतिचारी का मतलब होता है कि अपनी स्पीड से ज़्यादा तेज चल रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल शनिदेव यहाँ पर 17 जून से वक्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में कैसा रिजल्ट, कैसा प्रभाव लेकर आएगा, किन किन राशियों पे क्या एनर्जीज है, क्या यू नो आपको फॉलो करना चाहिए, सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन मन में कभी भी आप ये मत सोचिए कि भाई आप तो मेरा ये टाइम आ गया है, वो टाइम आ गया। हमेशा मेहनत आपकी हमेशा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा माइंडसेट, भगवान पे भरोसा। कुछ भी ग्रहों में हो रहा हो, हमारा काम है आपको आकर बताना कि भैया इन चीज़ों में आप अवेयरनेस रखो, ये चीज़ें कीजिएगा, ये चीज़ें मत कीजिएगा। ये सब आप एज अ एडवाइस ज़रूर फॉलो करें, मदद मिलती है आपको, सहारा मिलता है। ज्योतिष मदद करने के लिए बना है, ना कि आपको डराने के लिए है। तो अगर आपको जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव अपनी राशि के अकॉर्डिंग सुनने मिलेगा, मेरी एडवाइस यही है कि आप उसको पॉजिटिव आँखों से ही समझें और देखें, और जो कमी है उसके ऊपर काम करके उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये नहीं कि जो कमी है उसके ऊपर यू नो आप एकदम ही गिव अप कर दो और उसके ऊपर काम ना करें, ये बिल्कुल भी करना सही नहीं होगा। ये मेरी एडवाइस है। बाकी शनिदेव आपके ऊपर कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनाए रखें। अब हम इसके बाद में एज पर एवरी ज़ोडियाक साइन क्या मैसेजेस है जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो लिब्रास, सो यहाँ पर आप लोगों के लिए शनि देव जो वक्री हो रहे हैं वो फिफ्थ हाउस में हो रहे हैं। फिफ्थ हाउस माना जाता है लव रिलेशनशिप का, आपकी एजुकेशन का एंड ऑल्सो आपके क्रिएटिव स्किल्स का। स्पेशली जितने भी लोग कोई ना कोई क्रिएटिव कामों में हैं या कोई एजुकेशन एडमिशन करना चाहते हैं, यहाँ पर आप लोग के एफर्ट्स बढ़ सकते हैं। आपको ज़्यादा हार्डवर्क करनी पड़ सकती है। आपको लग सकता है कि हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं बट हमें हम जिसे सेटिस्फाई हो सकें वैसे हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो ये समय इनफैक्ट आप लोग के लिए ऐसा होगा कि रिजल्ट्स आपके हिसाब से क्यों नहीं मिल रहे, इस पर ज़्यादा मत सोचिएगा। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही हैं, जो भी काम आप कर रहे हो, बस उसको करते रहिए। राइट टाइम आने पे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज शनिदेव समझ लीजिए आपका एग्ज़ाम ले रहे हैं, आपकी मेहनत देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो इस समय में क्रिएटिव लाइन वाले और एजुकेशन में। आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, अपनी लव लाइफ की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, तो बहुत जल्दी से इरिटेशन और आपका फोकस हिल सकता है। तो आपने अपनी तरफ से मेहनत बहुत बढ़ाए रखनी है, तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे इस समय में। नाउ विद दैट, आपकी लव लाइफ में भी यहाँ पर शनिदेव वक्री हुए हैं, तो आपकी लव लाइफ में, लव रोमांटिक लाइफ में मैं कहूँगी, अगर आप सिंगल हो तो ये समय आप लोग के लिए लव रिलेशनशिप में आता हुआ नहीं दिखता है। इनफैक्ट समझ लो कि आपका सारा फोकस आपके करियर, आपके काम में, आपके गोल्स में ही रहने वाला है। जितने भी लोग रिलेशनशिप में हैं, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप इस टाइम पर बना रह सकता है। अगेन मैं सेम चीज़ एडवाइस करूँगी जो मैं मोस्ट ऑफ दी ज़ोडियाक साइन, जब भी लव लाइफ के ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है वो बैठे हैं, तो मैं यही सजेशन दे रही हूँ कि मैच्योरिटी,
शनि देव जब भी आते हैं तो आपको मैच्योर बनाने की कोशिश करते हैं, आपको लाइफ के लेसन्स देते हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं आपको यू नो कहीं ना कहीं लाइफ में ज़िम्मेदार बनाते हैं। तो छोटी छोटी बातों पे आपको लगेगा कि जो आप पहले चिढ़ जाते थे, जो झगड़ा होता था, अब उन छोटी बातों पे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगेगा कि आप अपनी लव लाइफ में बहुत मैच्योर हो रहे हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो रहे हो, बहुत वाइज हो रहे हो। ये ज़रूर है कि इस टाइम पर लिब्रा साइंस एक्सपीरियंस कर सकता है कि अगर यू नो आपको लगेगा कि अगर आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे तो आप अपनी इच्छा से ऐसे हो जाओ कि यार मुझे कुछ दिन बात नहीं करनी, मुझे कुछ दिन अपने साथ अकेले बैठना है, मुझे लोग समझ नहीं पा रहे हैं पता नहीं क्यों, मुझे यू नो अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, ये प्रकार की भावनाएं इमोशंस आपके मन में आ सकते हैं। तो इन चीज़ों पर ज़रा सा गौर और अपने इमोशंस को ध्यान में रखते हुए अपना ख्याल आपने रखना है। अब इसी के साथ साथ में शनिदेव पंचम भाव में अगर वक्री हुए हैं तो एक भाव पीछे का भी रिजल्ट देंगे जो हो गया फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस के रहते हुए आप इस समय में अगर घर गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो ये समय आप लोगों के लिए अच्छा माना जाएगा। आप ये सारी चीज़ें नो अपने जो भी एसेट्स हैं वो खरीद सकते हो या वो खरीदने के योग बनेंगे, आपको हेल्प होगी ना, आपके रास्ते खुलेंगे, ये देखा जा रहा है। विद दैट मैं ऐड करना चाहूँगी, जितने भी लिब्रास को लग रहा था उनकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज चल रहे थे बेवजह की, उनकी जॉब में अगर अड़चन आ रही थी तो वो जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी एंड आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, ये देखा जाएगा। आपकी माता की हेल्थ को अगर कोई दिक्कत चल रही है तो मदर की हेल्थ का आपने ध्यान देना है इस समय में। घुटनों में दर्द, बैक पेन, इस टाइप की प्रॉब्लम्स अगर चल रही हैं तो बस उसकी जो भी हेल्थ मेंटेन करने के लिए ज़रूरत हो, दवाइयाँ, केयर, जो भी, वो ध्यान में रखते हुए फॉलो करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपकी हेल्थ में सुधार देखा जाएगा, जॉब में हेल्प आती हुई दिख रही है, देखा जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप अपनी सेविंग्स बढ़ाना चाहते थे कि आपकी सेविंग्स बढ़ जाए, आपके काम और आगे बन जाएं, तो सेविंग्स आपकी इस टाइम पर बनेगी ज़रूर। आप अपनी सेविंग्स के रूप से कोई इन्वेस्टमेंट भी करते हुए दिख रहे हैं पैसे के रूप में, उसमें भी आप लोग का यू नो आपको गेंस अच्छे मिलेंगे किसी भी रूप में, चाहे आप यू नो कुछ गोल्ड में, घर, गाड़ी, व्हाटएवर, इन शॉर्ट सेविंग्स आपकी बनेंगी इस समय में। उस क्षेत्र में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। शनिदेव की नो दृष्टि 11th हाउस पर भी है, सडन गेन्स आपको हो सकते हैं। आपको लगेगा कि जून से लेकर नवंबर के बीच में सडनली आपका धन को लेकर के जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा है, अच्छा हुआ है, स्मूथ हुआ है, तो पैसे को लेकर के रास्ते में आपको यू नो राहत मिल सकती है ज़रूर। तो सेकंड एंड 11th हाउस जब भी दृष्टिकोण से शनिदेव की दोनों साथ में जब एक्टिव होते हैं तो मनी रिलेटेड बेनिफिट्स ज़रूर देखे जाते हैं। तो लिब्रा साइंस को मनी रिलेटेड हेल्प इस समय में मिलती हुई ज़रूर देखी जाएगी। तो ये आप लोग के लिए ऑल ओवर एनर्जी मैसेजेस देखने मिल रहे हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं लिब्रास। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।